हेलो फ्रेंड्स, अगर ट्विटर के अंदर भी आपका वीडियो अपलोड हो गया होगा तो उसको किस तरह से डिलीट कर सकते हैं उसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे राहुल बामले यूट्यूब चैनल। तो ये शुरू करेंगे, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जैसे मैं आपको वीडियो कॉल स्कैम के ऊपर वीडियो बनाता रहूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप मेरे वीडियो को देख पाएंगे और जो भी आपके साथ न्यू वीडियो कॉलिंग का स्कैम हो चुका होगा उससे आप बाहर आने में आपकी बहुत सारी मदद हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको हर वीडियो के अंदर बोलता हूँ कि भाई लोग, आपका वीडियो जो न्यू वीडियो कॉलिंग स्कैम जो प्रिया शर्मा लड़की ने आपको फंसाया है और आपको ब्लैकमेल करी है कि आपका वीडियो यहाँ अपलोड कर दूंगी वहां अपलोड कर दूंगी, मैं हर वीडियो के अंदर बोलता हूँ कि फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर कहीं पर भी आपका वीडियो अपलोड नहीं होता। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई लोग, मेरा वीडियो इंस्टाग्राम के अंदर अपलोड हो गया, यहाँ पर अपलोड हो गया, वहां पर अपलोड हो गया, तो लोग मुझे लिंक भी भेजते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि वीडियो होने के लिए कहीं पर भी अपलोड हो सकता है लेकिन आपका वीडियो कभी भी लाइव में वायरल नहीं होगा, वो सिर्फ एक या दो दिन के अंदर या चार पांच घंटे के अंदर तुरंत ही ब्लॉक हो जाएगा। अगर ब्लैकमेलर ने यूट्यूब के अंदर वीडियो अपलोड किया तो तुरंत ब्लॉक हो जाता है थोड़े समय के अंदर, क्योंकि यूट्यूब बहुत स्ट्रिक्ट है। लेकिन इंस्टाग्राम या कहीं पर भी ट्विटर वहां पर अपलोड किया तो थोड़ा रहेगा, तीन चार घंटे तक रहेगा, लेकिन आपका जो वीडियो है कोई भी देख नहीं पाएगा, किसी भी बंदे के पास नहीं पहुंचेगा, क्योंकि जो रिया शर्मा फेक अकाउंट है वही फेक अकाउंट से अपलोड करती है और ट्विटर इंस्टाग्राम को पता है कि ये सब फेक अकाउंट है, तो उस अकाउंट के अंदर जितना भी वीडियो रहेगा उसको कभी भी प्रमोट नहीं करते, प्रमोट मतलब वायरल नहीं करते, किसी भी कोई भी लोग आपका वीडियो देख नहीं पाता। तो आप टेंशन मत लो। फिर भी अगर आपका वीडियो ट्विटर के अंदर अपलोड हो गया और ब्लैकमेलर ने आपको बाय चांस लिंक भेजा देखो डराने के लिए, तो अगर आपके पास लिंक होगा और आपको वीडियो शो करता होगा ट्विटर के अंदर तो किस तरह से ब्लॉक करेंगे उसकी जानकारी आपको वीडियो के अंदर लाइव में बताने वाला हूँ, तो पूरा देखो। लेकिन आप डरो मत भाई लोग, आपका वीडियो कहीं पर भी अपलोड होने दो, सोशल मीडिया के अंदर तुरंत ही ब्लॉक हो जाता है। पॉर्न वेबसाइट पर भी वो लोग नहीं डालते हैं, वहां पर भी बहुत सारा अकाउंट ओपन करना पड़ता है, क्रेडिट कार्ड डालना पड़ता है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहां पर फिलअप करना पड़ता है, तभी आप पॉर्न वेबसाइट के अंदर वीडियो अपलोड कर सकते हैं। लेकिन जो ब्लैकमेलर है उतना दिमाग नहीं रहता, अनपढ़ लोग रहते वो इतना दिमाग नहीं लगाते, क्योंकि उनको पता है कि अगर इनका वीडियो कहीं पर भी अपलोड कर दूं पॉर्न वेबसाइट के अंदर तो पकड़े जाएंगे। तो डरो मत, पॉर्न वेबसाइट के अंदर, सेक्स वेबसाइट के अंदर कहीं पर वीडियो अपलोड होने वाला नहीं है, सिर्फ इंस्टाग्राम के अंदर, फेसबुक के अंदर या मैसेंजर के अंदर वो लोग सिर्फ वीडियो अपलोड करेंगे और आपको लिंक भेजेंगे। लेकिन ये बात सच है, अगर आपको पता भी नहीं चलेगा वो बैकग्राउंड में जो वीडियो अपलोड किया है वो तुरंत ही डिलीट होने वाला है, मतलब एक दो घंटे में कभी भी डिलीट होने दो, लेकिन 24 घंटा या दो तीन दिन के अंदर हो ही जाएगा। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाए जिसके अंदर मैंने आपको लाइव बताया कि ये देखो ये वीडियो इतना घंटे बाद डिलीट हो चुका है। तो आप डरो मत, आपका वीडियो भी कहीं पर डाला होगा और आपको पता भी नहीं होगा, फिर भी टेंशन फ्री रहो, आपके काम पर ध्यान दो, वो वीडियो एक दिन ब्लॉक होने वाला है, तुरंत हो जाता है या थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन टेंशन मत लो, कभी भी वायरल नहीं होगा, कोई भी बंदा आपका वीडियो देख नहीं पाएगा, कोई भी बंदा उसको शेयर नहीं कर पाएगा, उसका गारंटी मेरा है भाई लोग। आप बिंदास रहो, टेंशन फ्री रहो, कुछ नहीं होगा। चलो, अगर ट्विटर के अंदर आपका वीडियो अपलोड कर भी दिया होगा तो किस तरह से उसको रिपोर्ट मारेंगे वो हम लाइव देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर ट्विटर के अंदर आपका वीडियो गया तो कैसे डील करेंगे। सबसे पहले जो भी ब्लैकमेलर है उसने अगर वीडियो बनाया होगा वो बोल देगा कि आपका वीडियो यहाँ पर अपलोड किया, ट्विटर के अंदर अपलोड किया, इंस्टाग्राम के अंदर अपलोड किया, तो सबसे पहले उसको बोलने का चलो मुझे लिंक भेज के दिखा। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आपको लिंक नहीं भेजेगा, क्योंकि आपका वीडियो अपलोड होता ही नहीं, और अपलोड भी अपलोड हुआ बाय चांस तो लिंक जरूर भेजेगा। लिंक भेजने के बाद वो जैसे आपको WhatsApp पर लिंक भेजेगा तो उस लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका ट्विटर, अगर बाय चांस ट्विटर के अंदर अपलोड किया उन्होंने तो ट्विटर यहाँ से ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपका वीडियो शो होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कहीं पर भी सोशल मीडिया के अंदर कहीं पर वीडियो गया तो ज़्यादा दिन के लिए नहीं रहता, वो तुरंत ही ब्लॉक हो जाता है, तीन चार दिन के अंदर, चार पाँच घंटे के अंदर वो ब्लॉक हो जाता है ऑटोमेटिकली, आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आपके साथ स्कैम हुआ होगा और आपको पता भी नहीं होगा कि आपका और ब्लैकमेलर ने आपको वीडियो भी नहीं भेजा होगा, लिंक भी नहीं भेजा होगा और बाय चांस वीडियो अपलोड भी किया होगा, तभी डरने का कोई बात नहीं, क्योंकि वीडियो ऑटोमेटिकली एक ना एक दिन बंद होने वाला है, डिलीट होने वाला है, ब्लॉक होने वाला है। आपका वीडियो कभी भी वायरल नहीं होता, कभी भी कोई भी आदमी देख नहीं पाएगा, सिर्फ जिस अकाउंट में अपलोड किया है उसी अकाउंट में पड़ा रहेगा, एक दो दिन के अंदर ही ब्लॉक हो जाएगा। मान लो यहाँ पर अगर आपका वीडियो यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर जो 3 डॉट है इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर रिपोर्ट ट्वीट करना है, बस रिपोर्ट ट्वीट इतना ही आपको करना है। तो यहाँ पर एक वीडियो है, यहाँ पर दिखाना चाहूंगा, इस तरह से आपका वीडियो दिखाई देगा, 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है और रिपोर्ट पे क्लिक करना है, रिपोर्ट पे अडल्ट सेक्सुअल कंटेंट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे अडल्ट सेक्सुअल कंटेंट के अंदर आप क्लिक करोगे जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर, तो आपका वीडियो आपको दिखाई नहीं देगा, ब्लॉक हो जाएगा और रिपोर्ट हो जाएगा। ट्विटर वाले उसको रिव्यू करेंगे
अगर सचमुच ये गंदा वीडियो है तो उसको ऑटोमेटिकली रिमूव कर देंगे, मतलब कि डिलीट कर देंगे। तो आपको डरना नहीं, कुछ नहीं करना है आपको। आपको थोड़ा समय लगेगा वीडियो डिलीट होने में, लेकिन आपको डरना नहीं है। आपको लगेगा कि नहीं मेरा वीडियो वायरल हो जाएगा, ये जाएगा वो हो जाएगा, वहाँ पर पड़ा है, कुछ नहीं होने वाला। मैं हूँ भाई लोग, टेंशन मत लो। अगर फिर भी रिपोर्ट मारने के बाद भी अगर वीडियो डिलीट नहीं हो रहा है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करो, मैं आपका हेल्प करूँगा वीडियो डिलीट मारने के लिए, मतलब कि रिपोर्ट मारने के लिए। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। लास्ट देखने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे।